मैजेस्टिक लैंडस्केप्स, आर्टिस्ट राजेश हर्ष की एक सोलो एग्जीबिशन जो त्रिवेणी कला संगम में चल रही है और आर्टिस्ट हमारे साथ है। बहुत खूबसूरत काम है और लैंडस्केप्स को बनाने का एक अलग तरीका, एक अलग नजरिए से आपने पेश किया है। अपने काम के बारे में आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? जी, ये मैजेस्टिक लैंडस्केप्स हैं और मैं पिछले 30 साल से यही काम कर रहा हूँ और लैंडस्केप्स मेरा प्राइम एक टॉपिक रहा है और डिफरेंट स्टाइल से ये लैंडस्केप्स मैं तैयार कर रहा हूँ और इसमें नाइफ को यूज़ कर रहा हूँ, जो नाइफ से इसके टेक्सचर को क्रिएट करता हूँ। और आपको लगेगा कि आप बिल्कुल अपनी जैसे जहाँ मनाली का जो सीन रहते हैं, मेरे लैंडस्केप्स में ज़्यादातर मनाली को मैं कवर करता हूँ और उसमें आप वहाँ ना जाके अब मेरी पेंटिंग के थ्रू जो है आप उस मनाली का आनंद उठा सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस इतनी गर्मी में आप जो लोग मनाली जा रहे हैं वो मनाली ना जाकर मेरे चित्रों के माध्यम से उस ठंडक को, उस जो एहसास को महसूस कर सकते हैं। तो यही मेरा कोशिश है यहाँ। बहुत खूबसूरत कोशिश है आपकी। और इसके अलावा हम जानना चाहेंगे कि आप शुरू से लैंडस्केप ही करते रहे हैं या ये आपकी जर्नी में ये एक अलग पड़ाव है, किस तरीके से आप लैंडस्केप तक पहुँचे हैं, इसका क्या आपका स्टाइल फॉर्म वही रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या वो चेंज हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा आप बताएं। हाँ, पहले थोड़ा सा मेरा टॉपिक अलग थे। पहले मैं एस्ट्रोनॉमी आर्ट करता था, एस्ट्रोनॉमी आर्ट को लेकर और प्लस अपने लैंडस्केप्स, उन दोनों को मैं मिक्स करता था। एस्ट्रोनॉमी मून को, मून और पहाड़ों का मिलन इस तरीके से दिखाता था, उसका शेड, मून का शेड जो है वो नीचे पहाड़ों पर रोशनी पर आ रहा है, तो वो चीज़ें मैं दिखाता था। तो जैसे जैसे थोड़ा सा बदलता चला गया, थोड़ा सा मूड चेंज होता चला गया, तो फिर मेरा जो रुझान है वो पहाड़ों की तरफ चला गया और मैं बहुत ज़्यादा अपनी जो स्टाइल, मेरी जो स्टाइल एक बन गई वो मैं वैन गॉग जो थे डच पेंटर, उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ। तो उनके इंस्पिरेशन से मेरे को ये स्ट्रोक्स लगाने का मौका लग गया, क्योंकि मैंने पढ़ा, कहीं पढ़ा था कि वो उनके मैड स्ट्रोक्स कहते थे, कि वो मैड स्ट्रोक्स लगाते थे। तो मैं ये देखना चाहता था कि वो वाकई में ही कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड पर जाकर वो किस तरीके से अपने मैड स्ट्रोक्स लगाते थे। तो वही थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो मैड स्ट्रोक्स वो लगाते थे तो वो किस तरीके से लगाते थे, तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लगा कर देख रहा हूँ, तो उसमें मैं इंजॉय कर रहा हूँ अपने अपने वर्क में। थैंक यू सो मच। मैट स्ट्रोक्स के बीच में इतना खूबसूरत नज़ारा, जैसा कि इन्होंने बोला, और इनकी कोशिशें, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले शोज़ के लिए और हमारे को इस तरह खूबसूरत काम दिखाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मी ऐसा AGM फॉर रामको इंडस्ट्रीज ग्रुप, सो फील वेरी प्राइड टू गेट एसोसिएटेड विद सच ए आर्टिस्ट एंड वी विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अ वेरी ब्राइट करियर। Thanks a lot.